बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? आप ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं डेली रूट अब्दुल्ला मेरा नाम है, डेली रूटीन मेरी चैनल का नाम है जी। आज का जो हमारा मेन्यू सुबह का वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। अब मेरे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। आज जो है बहुत अहम बात तो इतनी मैं नहीं कह सकता, हम कमज़ोर लोग हैं। तो नाज़रीन मैं आज आपका आपको अपना मेन्यू दिखाते हैं सुबह के नाश्ते में। तो अभी आपको कैमरे पे हमने नहीं दिखा सका, मेरी बेगम मुझसे झगड़ा करने के लिए आ गई क्योंकि बच्ची रोने लगी थी। तो कैमरे के साथ बैठकर यानी कि वो हिलता था इस तरीके से, तो उस सूरत में हमने कहा इसको साइड पर कर दो, ये रोने लगी। फिर मैंने अपने पास प्यार दिया तो बेगम मेरी आपके सामने देख रहे हैं, ये गुस्सा कर रही है, करिए इसको आपने मारा तो मैं आपकी पेटी निकालोगी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं कहना। ये आपके सामने नहीं मारा, नहीं उधर बैठी थी वो हलवे दी आई इवन जब मैं कुछ चार साइड से करने लगे थे रोने लगी और मैं चार कपड़े को प्यार थे। मैं माफ़ी चाहना नहीं मारा तेरी दी को, तेरी दी को मैं नहीं मरा था। देखे जी दूंगा दूंगा नादरीन, ये मेरे से जो है ना शिकवा कर रही करी मेरी बेटी बेटी के लिए पैसे दे, मैंने चीज़ वगैरह लेके इनको देनी है, इंशाल्लाह मैं ला के खुद देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अभी भी इनके पास कुछ अमरूद पड़े होंगे, अमरूद पड़े ख़त्म हो गए, कल 3 किलो तो लाए थे मैंने, परसों 3 किलो लाए थे। तो नादरीन इंशाल्लाह आपको अब खाने की तरफ हम नाश्ता किचन की तरफ दिखाते हैं। मैं टांगे लगाऊं और ये आपके सामने पहनूंगा। और हाँ एक और बात मैं यहाँ बता रहा आपको चाहूँगा, ये आप जुराबे देखी हैं आपने, ये मैंने उतार के इसको रख दिया है इनको धुलाई के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन के बाद धुलाई करवाता हूँ। अभी जब गर्मी आगे आ जाएंगी फिर मेरी जो शायद डेली धुलाई करानी पड़ेगी, क्योंकि पसीना वगैरह उतरता है तो मेरे लिए मुश्किल होती है और इसमें बदबू वगैरह फैल जाती है। और आप देखें जितनी गर्मी इस वक्त मुनासिब आपके सामने, अभी सर्दी ही है और गर्मी कुछ यानी कम हो चुकी है सर्दी और कुछ गर्मी आ रही है, तब भी ये टांगे मैं सारा दिन पहन के रखता हूँ, सिर्फ नमाज के औकात में ही उतारता हूँ और टाइम में मैं नहीं उतारता। और मेरे लिए कितनी ही मुश्किल होती है मुझे पता है या मेरा अल्लाह जानता है। और आप अपने पाँव होनते हैं उसके बाद आप कितनी देर जुराबे पहन सकते हैं ये आपको खुद ही मालूम होगा। और अक्सर जाता हूँ मैं तो वैसे ही लोग सर्दियों में भी बहुत नहीं पहनते, अपने कामकाज में लगे रहते हैं, शहरों में भी पहनते हैं कोई नहीं पहनते। लेकिन अब जो इस वक्त मौसम जा रहा है वो आपके सामने है, आज मेरे ख्याल में 24 तारीख है, 24 फरवरी जो इस वक्त सूरत हाल वो आपके सामने है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इन जुराबों के बगैर टांगे नहीं पहन सकता। आपकी ओरिजिनल कोनी जो है ये आप ज़मीन पर कितनी देर दबा के रखेंगे और अपना वेट मुकम्मल दें आप बर्दाश्त कर सकेंगे ये नहीं कर सकेंगे, आपको ही मालूम है कि क्या कितनी देर बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन मैं ये टांगे पहनता हूँ जब ये फॉर्म भी है बीच में, ये भी बंद गर्म हो जाता है और बाहर कोई कहीं से हवा लगने का रास्ता नहीं होता, लेकिन मजबूरी है और उसके बगैर कोई हल नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुन्नत के मुताबिक पहले दाया पाँव जी और उसके बाद इंशाल्लाह फिर बायां पाँव पहनेंगे आपके सामने। नहीं कुछ नहीं करो भाई, मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना आप लोगों ने। अल्लाह की बंदी है बेटा, ऐसा नहीं कहते अल्लाह की बंदी अल्लाह नाराज होता है, इस तरह की बात नहीं क्या करो बेटा। चलो अभी बाकी पहुंचो, नाश्ता करो, नाश्ते के लिए पहुंचो पहुंचो, शाबाश टाइम लेट हो रहा है, हम स्कूल हमने जाना है, आपको स्कूल भी छोड़ना है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन ये आपके सामने एक टांग मैंने लगा ली है, अब आप दूसरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी मरतबा मर्जी बिस्मिल्लाह पढ़े कोई हर्ज नहीं है, बेकदा बेहतर ही है, एक दफ़ा तो लाजमन, बाकी आगे जितनी मरतबा पढ़ते जाए बेहतर ही है, नुकसान नहीं है फ़ायदा ही है, सवाब है, अल्लाह राज़ी होता है। नाज़रीन अपनी राय ज़रूर हमें देते रहे और आपका ये प्यार मोहब्बत हमें चाहिए, और माशाल्लाह आपकी तरफ से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बड़ी मोहब्बत मिल रही है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहू अकबर। अब टांगे मैंने ये लगा ली हैं आपके सामने हैं और बग़ैर बेल्ट की जो थी पहनी थी और इसके ज़रिए मैं चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन देखें, हमारे हमने थोड़ी सी घर में सब्ज़ी वगैरह के लिए, तो सब्ज़ी तो नहीं यानी कि कह ले उसको सब्ज़ी का हिस्सा है, धनिया और थूम हमने थोड़ा सा भीजा था यहाँ पे, ठीक है जी। लहसुन भी इसको कहते हैं, मेरी बेटी ने आवाज़ दी है कि लहसुन कहें आप इसको। हम अपनी यहाँ की मकामी ज़बान में थूम बोलते हैं, देहाती ज़बान में सरक्की दे बेचादन से थूम है, थूम ये वो चीज़ है, ठीक है जी। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त आपके सामने है और बड़ा प्यारा सा, और ये सालन के बीच में डाला जाए ये, क्योंकि जो लहसुन है कच्चा जो पत्ता होता है ना ये वाला, ये इसको काट के कचरा कचरा करके डालें सालन के ऊपर, तो बहुत ही बड़ा खूबसूरत और टेस्टी ज़बरदस्त बनता है और माशाल्लाह बड़ी खुशबूदार बनता है, तो बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह थी, ज़्यादा नहीं इसको भेजा, लेकिन देखा जाए तो जो इसकी मेहनत वगैरह उसकी देखभाल करना वो महंगा पड़ता है, पानी लगाना इसको, क्योंकि जो बाज़ार से ख़रीद ले तो बेहतर है, क्योंकि ये या तो कोई 5-6 मरले हो 10 मरले हो फिर तो फ़ायदेमंद है, फिर समझ आती है, लेकिन तकरीबन ये तो अपना शायद आधा मरला बन जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। हमने अपने घर की ज़रूरत के लिए एमरजेंसी के लिए धनिया और थूम जो है ये दोनों हमने भेजा हुआ है, ये आपके सामने है। नाज़रीन मैं अभी यहाँ नाश्ते के लिए बैठ रहा हूँ, ये आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं दोनों टांगें नहीं उतारूँगा, एक उतारूँगा, सीधा होकर बैठ जाऊँगा एक टांग के ज़रिए, ये आपके सामने उतारी है और ये बैठ गया हूँ चारपाई के ऊपर। नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं नाश्ता भी। तो ये देखें बाकी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। और वो बेटी दोनों जो है छोटी को, बड़ी बेटी छोटी को खेलने के लिए जो है थोड़ा सा वो पत्थर की किंकरी उठा के उसके साथ खेल रही है माशाल्लाह। नाश्ता तो जल्दी करो, टाइम जा रहा है। नाज़रीन ये नाश्ता मेरी बेगम डाल के दे रही है आपके सामने, ठीक है जी। जल्दी जा रहे हैं, देर जा रहा, टाइम नहीं, जल्दी करो। अब बिस्मिल्लाह, ये आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अंडा अंडा उठा के बना लो, अंडा एक मुर्गी का वो चिट्टी वाली। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।